हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। क्लर्क ग्रेड 2 और आपका जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, बम्पर नंबर की सीट है। टोटल 5000 सीट के करीब आपका वैकेंसी निकल के आउट हो चुका है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे। मेल फीमेल दोनों के लिए ये अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड के अंदर जॉब करने के लिए क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में मैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो लास्ट तक जरूर वॉच करना। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि जूनियर असिस्टेंट और क्लर्क की पोस्ट के लिए RSM SSC मतलब राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत वैकेंसी निकल के आई है। टोटल पोस्ट आपका 4197 होने वाला है। दोनों पोस्ट वाइज अगर बात करें तो क्लर्क ग्रेड 2 के लिए 645 सीट्स होंगे और जूनियर असिस्टेंट के लिए 3252 सीट्स होंगे। ठीक है, अब रही बात कि ये फॉर्म कब से अप्लाई होना स्टार्ट होगा। 20 फरवरी से, यानी बहुत जल्द फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है। लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो 20 मार्च इसका लास्ट डेट होने वाला है। यू डोंट हैव टू वेट फॉर 20 मार्च। फॉर्म जैसे ही ऑनलाइन होता है अप्लाई कर दीजिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब अप्लाई करते टाइम जो फी लिया जाएगा, आइए बता दूं, जनरल ओबीसी ईबीसी सीएल को आपका यहाँ पर लगेगा 600 रुपीज। वहीं पर एससी एसटी कैंडिडेट, ओबीसी ईबीसी एनसीएल और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन से 400 रुपीज फॉर्म फी लिया जाएगा। आगे बात करें कि एज की लिमिट क्या रहने वाली है। सबसे पहले जान लीजिए किस तिथि के अनुसार एज कैलकुलेट होगा। 1 जनवरी 2025, मतलब कि 1 जनवरी 2025 के अनुसार 18 वर्ष से 40 वर्ष के कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ रिलैक्सेशन भी मिलता है, ओबीसी को 3 वर्ष का और एससी एसटी को 5 वर्ष का। रिलैक्सेशन का जो डिटेल आपका क्या सब अलग अलग कैटेगरी के लिए होगा वो आप नोटिफिकेशन में अच्छे से देख लेंगे एक बार। रही बात की क्वालिफिकेशन क्या डिमांड की गई है, देखिए फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है। जिन्होंने भी 10+2 पास आउट कर रखा है इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी से, डजंट मैटर क्या परसेंटेज है, किस आप स्ट्रीम से हो, आर्ट साइंस कॉमर्स सभी इलिजिबल रहेंगे। लेकिन उसके साथ एक और चीज मेंशन है, कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एटलीस्ट DCA का तो होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा कुछ आपने कोर्स किया कंप्यूटर का तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखें सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया क्या रहेगा। आपका सिलेक्शन 4 स्टेज से गुजरने के बाद ही होगा। पहले स्टेज पर रिटन एग्जाम होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नोटिफिकेशन में एक चीज बताई गई है कि एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ये आपको वेट करना होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा कुछ वैसा तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, और सरकार ने भी बोला है कि थोड़ा वेट करिए, मैं नोटिफाई कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, देन क्या होगा आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्टली मेडिकल होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल वे में समझ लेते हैं। जैसा कि आपको बताया है कि पहले स्टेज पर एग्जाम होगा, ऑफलाइन या ऑनलाइन कंफर्म नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। इसमें आपका 2 पेपर होता है, 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। देखिए टोटल 6 घंटे का होता है। पेपर 1 3 घंटे का, पेपर 2 होगा आपका 3 घंटे का। पेपर 1 में आपका 150 क्वेश्चंस होगा 100 मार्क्स के लिए, मतलब 150 प्रश्न है लेकिन 100 नंबर के लिए, और समय 3 घंटा। सब्जेक्ट वाइज बात करें तो पेपर 1 में आपका जनरल नॉलेज, मैथ्स और जनरल साइंस तीनों से क्वेश्चन होगा, 50-50 तीनों ही सेक्शन का रहेगा। पेपर 2 में भी आपका 150 प्रश्न है 100 नंबर के लिए और समय 3 घंटे का। सब्जेक्ट अगर देखें तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश दोनों से रहेगा, 75-75 नंबर का। और इसको जब आप क्वालिफाई कर लोगे तब आपका स्किल टेस्ट होगा। पहले ही बताया है कि आपका यहाँ पर कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए। चलिए देखते हैं जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो किस वे में होगा।
देखिए स्किल टेस्ट में आपका स्पीड यानी कि क्या आपका दक्षता है वो भी देखा जाएगा, उसके बाद आपका एक्यूरेसी कितना सही सही आप कर पा रहे हो ये भी आपका वहां पर देखा जाएगा। देखिए इंग्लिश का आपका 25 मार्क्स का होगा स्पीड टेस्ट और 25 मार्क्स का होगा आपका एक्यूरेसी टेस्ट, दोनों ही 10-10 मिनट का होगा। फिर हिंदी में भी 25 नंबर का आपका स्पीड टेस्ट 10 मिनट में होगा और एक्यूरेसी आपका 25 मार्क्स का 10 मिनट में, मतलब दोनों में सब कुछ सेम सेम है, स्पीड 25 मार्क्स का, इसका भी एक्यूरेसी 25 मार्क्स का, टोटल देखा जाए तो 100 मार्क्स का स्किल टेस्ट होगा। समय मिलेगा आपको टोटल 40 मिनट, मतलब 10-10 मिनट ये चारों चीज के लिए तो 40 मिनट। इसको जब आप क्वालिफाई करोगे तब आपका डीवी होगा, मेडिकल होगा, फिर ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स ये राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आपकी वैकेंसी आई है, राजस्थान में ही एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आपको अदर स्टेट से आप अगर अप्लाई करोगे तो राजस्थान में जाके आपको पेपर देना होगा। सेकेंड थिंग ये कि आपको अभी तक पता चल गया होगा कि राजस्थान की वैकेंसी है तो वहां पर ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब करना पड़ेगा। जॉब करोगे तो क्या सैलरी मिलेगी आइए मैं बता देती हूँ। आपकी सैलरी स्टार्टिंग होगी 25,880 रुपए से, मतलब 26,000 के करीब सैलरी है। आफ्टर पर्क्स अलाउंस जब सैलरी में बढ़ोतरी होती है तो पर महीने की सैलरी 65,900 रुपीज हो जाती है। तो अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है, सीट भी बम्पर नंबर की है, तो कोशिश ये करिए कि इस बार आप एक सीट आप अपने अचीव कर पाओ। और अगर इसके बारे में डिटेल में नोटिफिकेशन में देखना है और भी कुछ जानकारी, सब कुछ मैंने बता दिया है, तो अगर डिटेल में देखना है तो इसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, वहां से डाउनलोड करके थॉरो आउट रीड कर लीजिएगा। कहीं पर भी मन में कोई डाउट है कंफ्यूजन है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और फ्रेंड्स मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहां भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।